तो महेंद्रगढ़ के खुडाना में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विकास रैली कर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 13 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो वहीं एक विकास परियोजना का उद्घाटन कर जनता को सौगात दी। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। इसी को देखते हुए मौजूदा बीजेपी सरकार प्रदेश की आवाम को लुभाने की पूरी कोशिश में जुटी है। महेंद्रगढ़ के खुडाना गांव में सीएम खट्टर ने करीब 452 करोड़ की 13 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और एक परियोजना का उद्घाटन किया। देखिए, शिलान्यास का हर एक का छोटे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कोई 6 महीने में होगा, कोई 8 महीने में होगा, कोई 2 महीने में भी हो जाएगा। वो जैसे जैसे काम चल रहे हैं, ये लगभग 13 प्रोजेक्ट हैं, एक का तो उद्घाटन है, 12 का शिलान्यास हुआ है, जिसकी 452 करोड़ रुपया कुल मिलाकर इसकी लागत है और ये सारे काम जल्दी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आने वाली 3 तारीख को 3 मार्च को उनका शिलान्यास होगा, वो जिला केंद्र पर। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समानता के आधार पर विकास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से विकास के क्रम को लगातार गति दी है। जितने भी कच्चे रास्ते खेतों के हैं, 5 करोड़ के ये रास्ते तो सब हमारा मार्केटिंग बोर्ड बनवा रहा है, जो जो मांग आती है उन सबको पूरा करते हैं, लेकिन जो 4 करोड़ के 3 काम के रास्ते हैं उनको भी खंजे से पक्का कराया जाएगा, सबका क्रम से कराया जाएगा, अलग से बढ़ाने वाले हैं। कल हमारा बजट है, बजट के बाद उसका प्रावधान करके कुछ और योजनाएं भी बनाएंगे। वहीं सीएम खट्टर ने कहा है कि 18 से 40 साल तक के श्रमजीवी के खाते में 55 से 200 रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से जमा करवाए जाएंगे, जिसपे 60 साल के बाद उन्हें 3000 की पेंशन मिले। ये पेंशन बुढ़ापा पेंशन के अलावा मिलेगी। 18 साल की आयु का व्यक्ति हो या 40 साल तक कोई भी व्यक्ति हो, उसका जितना पैसा सरकार केंद्र सरकार जमा कराएगी 55 रुपए से 200 तक, वो तो केंद्र सरकार कराएगी, और जो बाकी उस व्यक्ति को जमा कराना था 55 रुपए से 200 रुपए तक, उसकी घोषणा मैं ये करता हूँ कि उस व्यक्ति को जमा नहीं कराना पड़ेगा, वो हरियाणा सरकार कराएगी। इसलिए सारे का सारा पैसा वो सरकारों द्वारा जमा होगा और 18 साल से 40 साल तक का जो श्रमजीवी है उन सबको 60 साल का होने के बाद जो प्रदेश की पेंशन है वो अलग मिलेगी बुढ़ापा पेंशन, लेकिन ये 3000 रुपया उसमें और जुड़ जाएगी। इसलिए एक घोषणा मुझे करनी थी, वो आज आपके सामने मैंने की है। सीएम खट्टर ने करोड़ों की परियोजनाओं की आधारशिला रख पश्चिमी हरियाणा के लिए चुनावों से पहले एक बड़ी सौगात दी, जो मील का पत्थर साबित होगी। महेंद्रगढ़ से टोटल न्यूज के लिए जयप्रकाश की रिपोर्ट।